पहले बार अपने बाप के नाम पर जीत गया, उसके बाद यहाँ से उसका विनाश करके चला गया। कछार क्षेत्र हो चाहे बांगर क्षेत्र हो, एक रुपया का काम दिखा आता है तो पांच गांव का नाम नहीं बता सकता। केवल कमलेश पासवान जी है तो चुनाव में केवल आते हैं, और वो भी अगर बाई चांस अगर अभी जाते हैं तो रुद्रपुर में आते हैं, रुद्रपुर में भी आते हैं तो रुद्रपुर का विकास एक बस स्टेशन जा करके। सम्मान निधि की बात करें या किसानों की बात करें या गरीबों के पेंशन की बात करें, हमारे माननीय योगी जी और प्रधानमंत्री जी ने बहुत बढ़िया कार्य किया है। नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं डिजिटल इंडिया। इस वक्त मैं देवरिया जनपद के बांस गांव लोकसभा में मौजूद हूं, और आपको बता दूं कि लोकसभा का चुनाव चल रहा है और लोकसभा का चुनाव अंतिम चरण पर है और आज चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। हमारे पीछे कुछ स्थानीय लोग हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि यह लोग किन मुद्दों पर मतदान करेंगे, क्या इंडिया गठबंधन के पक्ष में मतदान करेंगे कि भाजपा के पक्ष में। तो आइए हम बातचीत करते हैं क्या के स्थानीय लोगों से। किन मुद्दों पर आप मतदान करेंगे? विकास के मुद्दों पर। ये बताइए क्या भाजपा सरकार में विकास नहीं हो रहा है? एकदम एक पैसे का विकास नहीं हुआ। कमलेश पासवान पाँच गाँव का नाम नहीं बता सकता, 15 साल सांसद है और एक ही काम को मुख्यमंत्री कहता है हमारा और सांसद कहता है हमारा है। अगर उसको दम है तो अपने सांसद निधि का हिसाब 5 साल का दे दे कि मैं इस गांव में खर्च किया हूँ। उतना छोटा तो आज तक सांसद कोई हुआ ही नहीं है। दो बार मोदी के नाम पर लोग वोट दिए, पहले बार अपने बाप के नाम पर जीत गया, उसके बाद यहाँ से उसका विनाश करके चला गया। कछार क्षेत्र हो चाहे बांगर क्षेत्र हो, एक रुपया का काम दिखा आता है तो 5 गाँव का नाम नहीं बता सकता उस आदमी को। क्यों वोट दिया? में तो राम मंदिर बन गया। अरे राम मंदिर लेकर के भोजन करेगा? राम मंदिर तो वही मोदी बनवाया है, वही कह रहा है कि जब हम चले जाएंगे तो तोड़वा देंगे। बुझाता उसके बाप की पपौती है कि तोड़वा देंगे आप। इस पर तो सुप्रीम कोर्ट को FIR करना चाहिए और माननीय चुनाव आयुक्त को तुरंत उसको वो करना चाहिए, टारगेट में लेना चाहिए। बताइए, प्रधानमंत्री होकर के शर्म होनी चाहिए उसको कि उसकी पपौती नहीं ना को बनवाया है कि राम को वही लाया है। ये तो एक जबरदस्ती बतियाता है। उस प्रधानमंत्री को कलकत्ता में कहा कि राम मंदिर हम चले जाएंगे तो लोग तोड़वा देंगे। राम मंदिर तोड़वाए थे भाजपा वाले, यही नहीं बनने दिए थे कांग्रेस के सरकार में। आज तक जुमला दे करके लोगों को 10 साल चूतिया बनाए सब भाजपा का। जब 400 पार, अरे कह रही है 400 पार ना, बेईमानी नहीं करेगी तो भाजपा 5 सीट नहीं जीतने वाली है, कहीं 5 सीट नहीं जीतने वाली है। ये तो यहाँ तो सदल प्रसाद 4 लाख वोटों से जीतेंगे। अच्छी कोई हरा रहा है, देवरिया भी एकदम बुरी तरह से, देवरिया भी जीतेंगे, परवना भी जीतेंगे। योगी जी को अगर दम है तो गोरखपुर को दलहुई ना करो तो काजल निषाद जीतेगी 3 लाख वोट से। हाँ, पूरा पूर्वांचल खत्म हो जाएगा। योगी नहीं, मोदी कोई आकर के यहाँ बस जाए। एक रुपये का विकास का बात नहीं किया प्रधानमंत्री, यही हमारे रुद्रपुर में आया था दुधेश्वरनाथ में। एक रुपया बेईमान बता दे कि दुधेश्वरनाथ मंदिर पर 10 साल में दिया होगा, एक रुपया नहीं दिया हुआ। अखिलेश से जब प्रधान विधायक थे अखिलेश प्रताप सिंह और सपा की सरकार थी तो मंदिर पर निर्माण हुआ। वहाँ के साधु संत जो भी हैं सब ये जुमले वाले हैं और बेईमान हैं। कुछ एक देवरिया से एकदम बम्पर रोड से जीतेंगे, कोई हराने वाला नहीं है। इस बार गठबंधन की हवा चल रही है, ये जान जाइए। गठबंधन की एकदम सरकार बनेगी, उसमें दो राय नहीं। इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी कि भाजपा की? हमें तो लग रहा है कि गठबंधन का हवा चल रहा है और काफ़ी अच्छे अंतर से लगभग गठबंधन के प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं। लोकसभा बांसगांव से कमलेश पासवान या सदल प्रसाद? हवा तो सदल का चल रहा है, इसलिए कि लोग ये कहते हैं कि इतना केवल कमलेश पासवान जी है तो चुनाव में केवल आते हैं, और वो भी अगर बाई चांस अगर आ भी जाते हैं तो रुद्रपुर में आते हैं, रुद्रपुर में भी आते हैं तो रुद्रपुर का विकास एक बस स्टेशन जा करके देख लीजिए। तो आप युवा हैं और युवा जिधर जाता है उधर सरकार बनता है, आप किधर जा रहे हैं? विकास की तरफ जाएंगे कि राम? नहीं, विकास की तरफ और संविधान की तरफ। हमारे डॉक्टर जगदीश कुमार पांडे, लोकसभा चुनाव में आप किसको मतदान करेंगे? लोकसभा चुनाव में हम लोग जो है कि इंडिया गठबंधन को वोट करेंगे और गांव-गांव गली-गली जाके प्रचार भी कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन को आप लोग वोट करें। क्यों इंडिया गठबंधन को? भाजपा भी तो कर सकते हैं। भाजपा सरकार सारे लोग देख चुके हैं, 10 सालों में भाजपा ने जो भी काम कहा वो किया नहीं। रोजगार देने का काम कहा जो है कि 15 लाख खाता में देने के लिए जो है कि जनता को कहा, और ये सारी तमाम योजनाएँ बता के जो है कि जनता को ठगी की, गैस की महंगाई बढ़ाई, विद्युत की बिल जो है कि महंगा कर दिया, ये सब तमाम मुद्दा हैं। सभा चुनाव में किसको मतदान करेंगे आप लोग? इंडिया गठबंधन को करेंगे। भाजपा?
भाजपा का वादा पूरा नहीं करती है, झूठ बोलती है खाली। तो इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनाना चाहते हैं आप लोग, क्या लग रहा है इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी? नहीं बनेगी क्यों नहीं, बनेगी। चारों लोकसभा बास गांव से सदल प्रसाद आएंगे कि कमलेश पासवान? सदल प्रसाद आएंगे। सदल प्रसाद, लोकसभा चुनाव में आप किसको मतदान करेंगे, इंडिया गठबंधन या भाजपा? भाजपा। क्यों भाजपा को करना चाहेंगे? भाजपा बढ़िया काम कर रही है। अरे जो ये काम करो। लोकसभा चुनाव में आप किसके पक्ष में मतदान करेंगे? हम देखिए मोदी सरकार के पक्ष में मतदान करेंगे और मोदी सरकार में हम बहुत बढ़िया कार्य देखे हैं। जो सम्मान निधि के बात करें या किसानों की बात करें या गरीबों के पेंशन की बात करें, हमारे माननीय योगी जी और प्रधानमंत्री जी ने बहुत बढ़िया कार्य किया है और हमें बहुत अच्छा लगता है। तो इस बार आपका मतदान किसके पक्ष में रहेगा? मेरा मतदान बीजेपी के पास जाएगा और मैं दूसरों से भी यही गुजारिश करता हूँ कि वो बीजेपी में को वोट दें और उनको 400 पार पहुँचाएँ। द्वारा आप किसकी सरकार बनाना चाहते हैं? भैया जो चल रहा है सरकार उसी की सरकार बनाएंगे, यानी भाजपा के। हाँ वही। इंडिया गठबंधन? भैया अभी तो उसको देखे नहीं है ढंग से, तो जो चल रहा है उसी को हम देखेंगे। तत्काल जो सरकार चल रहा है उसी को देखेंगे। किन मुद्दों पर आप वोट करेंगे, क्या सोच है, क्या देख कर आप वोट करने जाएंगे? देश के लिए। देश के लिए विकास जो करेगा उसी करेंगे। तो कांग्रेस आएगी नहीं विकास करेगी? भैया अभी देखे नहीं, देखे बोल नहीं देते चाहते हैं इसमें कांग्रेस की सर। भाजपा? अब भाजपा भाजपा बहुत महंगाई बढ़ा दिया है और जो है कि न नौकरी है तो कोई नौकरी कोई नौकरी नहीं है। महंगाई बढ़ा कर एकदम बना दिए हैं सबको बेकार। रोड बनाने वाला रोड पे सब लोग आ गए हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि कांग्रेस सरकार बने और वही रहे। कलोड पड़ेगा, क्या कहेंगे? तो वो पड़ेगा, मैं डालूंगा वोट कांग्रेस पे, हाथ के पंजा वोट डालेंगे, उसको सरकार बनाएंगे। सरकार बनाना चाहते हैं? मैं भाजपा की सरकार बनाऊंगा, भाजपा ही हूँ, भाजपा की सरकार बनाऊंगा। कांग्रेस? कांग्रेस नहीं, इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं बनेगी। नहीं बनेगी, वो 75 लोग हैं जुड़े हुए हैं, वो लोग सरकार बना नहीं पाएंगे। हाँ कौन प्रधानमंत्री बनेगा, राहुल गांधी बनेगी, सोनिया बनेगी कि कौन वो बनेंगे कि प्रियंका बनेगी, कौन बनेगा? 75 लोग हैं। तो यानी आपके कहने का मतलब है कि भाजपा की सरकार बनेगी? हाँ भाजपा सरकार बनेगी। आप किसकी सरकार बनाना चाहते हैं? हम तो कांग्रेस की सरकार बनाना चाहते हैं। अब भाजपा? भाजपा से तो हमको बहुत परेशानी है। परेशानी है? हाँ। कांग्रेस आ जाएगी तो आपको क्या लाभ मिलेगा? कांग्रेस आ जाएगी तो उसमें बहुत लाभ दिखाई दे रहा है, महंगाई की वजह से। यानी आप कह रहे हैं कि भाजपा सरकार में महंगाई ज़्यादा है? हाँ हमारा सिद्धांत है कि हर साल बदल देना चाहिए। हाँ जैसे हर 5 साल पे सरकार हाँ, बदलना बदल देना चाहिए। तो आपके कहने का मतलब कि भाजपा सरकार को हटा के कांग्रेस को ला देना चाहिए? हाँ। इस बार किसकी सरकार बननी चाहिए, इंडिया गठबंधन या भाजपा की? इंडिया गठबंधन की। और भाजपा की? भाजपा की सरकार इस बार नहीं बनेगी। विकास काम नहीं किए भाजपा सरकार? नहीं कोई विकास का मुद्दा नहीं लोगों के पास, बस हिंदू मुस्लिम बस ये लोग करेंगे, राम मंदिर करेंगे बस। अगर मोदी और योगी जी अपना अगर काम ही विकास का किए हैं तो अग्निवीर के नाम पे वोट मांग के दिखाएं, बेरोजगारी के नाम पे दिखाएं, काला धन के नाम पे वोट मांग के दिखाएं, नोटबंदी के नाम पे वोट मांग के दिखाएं। अगर विकास ही किए हैं तो इन विकास के मुद्दे पर वोट मांग के दिखाएं वो। तो आपके लोकसभा से कौन जीत रहे हैं? हमारी लोकसभा से अखिलेश प्रताप सिंह चुनाव जीतने जा रहे हैं, बांसगांव से सदल प्रसाद जी चुनाव जीतने जा रहे हैं, कुशीनगर से अजय प्रताप पिंटू सिंह जी चुनाव जीतने जा रहे हैं, सलेमपुर से रमाशंकर जी चुनाव जीतने जा रहे हैं। इस बार भारी अंतर रहेगा वोटों का। लोकसभा चुनाव में आप इंडिया गठबंधन के पक्ष में हैं कि भाजपा के? हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं, सदल प्रसाद जी को वोट देंगे। हम लोगों का बांसगांव लोकसभा क्षेत्र है और इस बार वह बहुत बम्पर वोटों से उनका विजयी होने जा रहा है। और कमलेश पासवान के साथ नहीं है आप लोग? कमलेश पासवान जी बहुत बढ़िया नेता हैं लेकिन 15 साल में अभी तक उनका दर्शन ही नहीं हुआ। वो आए और अपना काम गिना करके जनता से वोट मांगे। कमलेश पासवान ने जैसे आपके क्षेत्र में विकास नहीं किया है? अब विकास जो है वो सभी लोग धरातल पर देख रहे हैं, विकास तो छोड़िए उनका दर्शन ही नहीं हुआ। तो क्या लग रहा है लोकसभा चुनाव में? लग रहा है कि इस बार सदल प्रसाद पूर्व मंत्री जी एकदम बम्पर वोटों से जीत रहे हैं। किसकी सरकार चाहते हैं?
इस बार हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहते हैं बीजेपी की। बीजेपी अपने मायने में बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर चुकी है, आगे चल रही है और हम लोग इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो नहीं बढ़िया काम करेगी। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो नहीं बढ़िया काम करेगी। इंडिया गठबंधन के बारे में नहीं बता सकते हैं, उसके बारे में जानकारी नहीं है क्या करेगी क्या नहीं करेगी। लेकिन मुझे लोकसभा बाद गांव से कौन प्रत्याशी जीतेगा, कमलेश पासवान या सदल प्रसाद? कमलेश पासवान। कितना विकास काम किए हैं वो कुछ मालूम है आपको? इसके बारे में अभी नहीं पता है, ठीक है ना, लेकिन जो कार्य योजना है वो सब उन्हीं के कार्यकाल में हो रहा है, जो सड़कें बन रही हैं और बाकी जो आवास आ रहे हैं, खेत का सम्मान निधि आ रहा है, गरीबों के लिए फ्री राशन आ रहा है और हर ग्रामीण में शौचालय की व्यवस्था और क्या बोलते हैं सुरक्षा की व्यवस्था, ये सब बीजेपी के ही देन है।